रिसाली से दुर्ग आ रही एक महिला बैंक कर्मी का बैग गुम हो गया था, जिसकी तलाश में परेशान महिला के पास दुर्ग कोतवाली से आया फोन। वही थाने पहुंच महिला ने दुर्ग कोतवाली को धन्यवाद दिया। बालोद के SBI बैंक में कार्यरत महिला माधुरी ध्रुव का रविवार सुबह लगभग 8 बजे रिसाली से दुर्ग आने के समय तालपुरी चौक के पास दस्तावेजों से भरा बैग गुम हो गया था। जब बैग गुम हो जाने का पता माधुरी ध्रुव को लगा, वो परेशान होकर तालपुरी के आसपास बैग की तलाश करने में जुट गई। तभी इस दौरान माधुरी ध्रुवे के पास सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शिवा सिंह का फोन आया और उनसे बैग के बारे में जानकारी ली गई। वही जानकारी मिलते ही माधुरी ध्रुवे सिटी कोतवाली थाना पहुंची, जहां बैग को देख माधुरी ध्रुवे के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। इसके बाद ध्रुव सिटी कोतवाली थाना प्रभारी SN सिंह द्वारा उक्त बैग को माधुरी ध्रुवे को सौंपा गया, जिसमें सभी दस्तावेजों को सही सलामत पाया गया। वहीं इस कार्य पर माधुरी ध्रुवे ने थाना प्रभारी एवं दुर्ग पुलिस को धन्यवाद दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी व महिला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एक बैग एक व्यक्ति ने लाकर जो है थाने में बताया कि ये बैग जो है मुझे तालपुरी चौक के पास में मिला है। बैग को थाने में लाने के बाद में उसमें चेक करने पे जो है उसमें कुछ IDs मिली थी। ID के पता करने पे उसमें बैग का जो मालिक है उसका नाम मैडम है, वो उनका नाम मोनिका दुर्वे, वो बालोद जिला में जो है SBI में बैंक में जॉब करती हैं। जिन्हें उन्हें फ़ोन के माध्यम से सूचना देकर थाने में बुलाकर उन्हें उनको बैग दिया गया। बैग में उनके जो भी सामान थे, उनके जितने भी सामान थे, वो सभी सामान उसमें सुरक्षित पाए गए। दरअसल आज सुबह मेरा बैग उस आते टाइम गाड़ी से गिर गया था और मुझे बस स्टैंड में पता चला मेरे पास बैग नहीं है। मैं स्टेशन जा रही थी, उसी टाइम में मुझे कॉल आया कि मेरा बैग जो है दुर्ग कोतवाली में मिल गया है, इसलिए मैं वापस इधर आई हूँ। आपको मुझे मेरा बैग मिला है, सारे सामान सब सेफ है और इस चीज़ के लिए मैं पुलिस का बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने कहीं कंप्लेन किया था या उनके द्वारा आपको फोन आया? नहीं सर, मैं एक्चुअली कंप्लेन करने जा रही थी तभी मेरे पास कॉल आया। तो आप आए, आपका बैग मिल गया, कोई सामान मिसिंग है? सब चीज़ आपको? नहीं, सब सही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ की दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।